इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम हेग्जोपोर्स के अंदर इंसेक्ट्स के इननेट बिहेवियर को डिस्कस करेंगे इंसेक्ट जो हैं इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर पैटर्न है कुछ बिहेवियर पैटर्न इंसेक्ट्स के अंदर सिंपल हैं और कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्स हैं और ज्यादातर इननेट बिहेवियर का मतलब है कि इनके अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोग्राम मौजूद है जो कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर नेक्स्ट स्पीशी के अंदर या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल हम लेंगे सोशल इंसेक्ट्स की सोशल इंसेक्ट्स में एक्सीलेंट एग्जाम्पल जो है वो है हनी बी की हनी बी के अंदर जो नई क्वीन बनेगी दैट विल हनी बी हाइव विल सर्च आउट एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय द अदर क्वीन लार्वे एंड प्यूपे इन द हाइ। तो ये उनका इन बिहेवियर है दिस इन बिहेवियर इननेट है जेनेटिकली है इसमें किसी ने उनको नहीं सिखाया कि उन क्वीन ने क्या करना है वर्कर ने क्या करना है ने क्या करना है लेकिन उनके अंदर क्योंकि क्वीन है क्वीन इज द एगलेइंग सोर्स इन द हाइव तो इसकी पोटेंशियल कैपेसिटी uh, ज्यादा है सो so इसको सर्वाइवल के लिए इसको यूजली एक क्वीन जो है दिस विल सरवाइव विद इन वन हाइव एंड इट विल नॉट लेट अदर क्वींस या डेड के अंदर कोई और ऑर्गेनिज्म है शी विल नॉट लेट दो हाउ क्वीन्स जो है क्वीन रियरिंग सेल्स वो दूसरे सेल्स से डिफर करेंगे या किसी तरह से वर्कर लार्वे प्यूपे उनके सेल्स की क्या फंक्शनिंग होगी ये उनको कोई भी एक्सपीरियंस से ये कोई भी मुख्तलिफ क्लासेस को टीच नहीं करता बल्कि ये सारे का सारा जो इनका बिहेवियर है दिस इज नोन एज द इन बिहेवियर कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो लर्न करें रिमेम्बर करें और इनकी ये अबिलिटी जो है ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन नेट बिहेवियर में दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इन नेट बिहेवियर इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स के अंदर अगर आप देखें तो स्पाइडर्स में ये एबिलिटी होती है कि ये वेब को स्पिन करते हैं अब ये वेब को किस तरह से स्पिन करते हैं देर इज नो ट्रेनिंग टू देम देर इज नो एक्सपीरियंस कि इन्होंने किसी एक्सपीरियंस से सीखा है या किसी अपने बड़े इंसेक्ट से सीखा है बल्कि ये सारा इनके अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड है ये स्पाइडर स्पिनिंग अ वेब इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इन नेट बिहेवियर सिमिलरली इंसेक्ट्स के अलावा भी हम बड़े ऑर्गेनिज्म में अगर देखें तो बर्ड्स जो हैं हाउ डू दे मेक देयर नेस्ट कि उन्होंने के ऊपर किस बर्ड ने किस ट्री पे अपना नेस्ट बनाना है और इसकी क्या स्ट्रक्चरिंग होनी है क्या कंपोजिशन होनी है इसके लिए भी इन नेट इनके अंदर ये सारे एटीट्यूड मौजूद हैं फिर कैटरपिलर जो है नॉर्मली ये कोकून बनाते हैं ये कोकून किस तरह से बनाएंगे दिस इज आल्सो दे आर इन नेट बिहेवियर इनके जीन्स के अंदर ये है और जेनेटिकली इसमें इसमेंड है अब अगर सबसे बड़े एनिमल की एग्जाम्पल ले लें डॉल्फ़िन की तो डॉल्फिन हाउ इट इज लीपिंग फ्रॉम द वॉटर दिस इज ऑल्सो इट्स इन नेट बिहेवियर तो इसमें इन नेट बिहेवियर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना है चाहे वो इंसेक्ट है चाहे वो बर्ड है चाहे वो डोल्फिन है इवन मुख्तलिफ मुख्तलिफर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इन बिहेवियर हैं जो के इंजीनियर्ड हैं इनको कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बर्ड्स हैं इंसेक्ट हैं इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग थ्रू डिफरेंट देर इनके अंदर अगर कुछ ट्रेनिंग से इसको हम बार बार रेपिटेशन से इनके इस बिहेवियर को मॉडिफाई तो कर सकते हैं इनहांस भी कर सकते हैं लेकिन इनको हम ये सिखा नहीं सकते ये इनकी इन कैपेबिलिटी है जिसको फर्दर हम इनके लर्निंग एटीट्यूड से मॉडिफाई कर सकते हैं